गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो है, मैं आप सबको कुछ छोटे छोटे मैसेजेस देना चाहती हूँ रिगार्डिंग दिस पीरियड, दिस लॉकडाउन पीरियड। एंड ये टाइम आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को कैसे इसे यूटिलाइज करना चाहिए। सिंस हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं और अब हमें प्रेपरेशन के लिए और ज़्यादा टाइम मिल गया है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब बिकॉज़ हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हमें स्पेसिफिकली उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे वीक एरियाज हैं। मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं या ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मेरा एक वीक एरिया है, मुझे इसमें अपना इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। मैं उन पे ज़्यादातर फोकस करूँगी बिकॉज नाउ आई हैव मोर टाइम इन हैंड। और मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेरे वीक एरियाज हैं? डेफिनेटली आप जब पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है और कहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वन इज दिस थिंग। दूसरा है कि आप पेपर सॉल्व करो। अगर आपने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं करे थे, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज सॉल्व पास्ट पेपर्स, RTP सॉल्व करो, मॉक पेपर सॉल्व करो, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट्स के सॉल्व करो। उससे आपको बहुत आइडिया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। बहुत बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन जब मैं पेपर सॉल्व करती हूँ तो फिर मेरे को समझ में आता है कि नहीं, मेरे को तो एक्चुअली प्रेजेंट करना ही नहीं आता है। मेरे दिमाग में सब कुछ है बट जब मैं उसको पेपर पे लिखती हूँ तो मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। और अल्टीमेटली जो मेरे दिमाग में तो पूरे 6 नंबर का था, लेकिन जब मैंने उसे लिखा तो मेरी राइटिंग ऐसी हो गई कि मैंने उसको इस तरीके से लिखा कि मुझे उसमें 3 या 4 नंबर का ही मैं आउटपुट दे पाई। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड इसके लिए सिर्फ 1 या 2 पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक पेपर सॉल्व करते हो और वो पेपर बहुत ही ईजी निकला और आपके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 पेपर्स तो आपको प्रॉपर एग्जाम एनवायरमेंट में आपको सॉल्व करने चाहिए। आपको अपने आप को टाइम करना है, आपको अपने आप को रीडिंग टाइम देना है 3 घंटे बैठ के। देन यू नीड टू प्रॉपरली चेक विद एन अनबायस्ड ओपिनियन, ठीक है। अपने वीक एरियाज पे फोकस करो वाज वन थिंग, दूसरा पेपर सॉल्व करो वाज सेकंड थिंग। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज गाइज कि रिविजन, आप अगर सोच रहे हो कि आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप लीनियंट हो गए हो, आप रिविजन नहीं कर रहे हो, ये गलती मत करना। मैंने ये गलती करी थी, ये मेरी खुद की गलती थी जिसकी वजह से मेरे को इतने अटेम्प्ट लगे थे क्लियर करने में, बिकॉज मैं रिवाइज नहीं करती थी टाइमली। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के साइड रख चुके हो तो आपको उसको वापस से उठा के मे बी 10 से 15 दिन में आपको फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेमोरी से फेड हो जाता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं था कि आपने उसको पहले पढ़ा था, क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ें भूल चुके होंगे, ठीक है। प्रॉपरली फिक्स्ड इन द वर्ड्स पे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ नॉट रिवाइजिंग। आपको लगेगा कि मेरा पूरा प्रिपरेशन तो हो ही चुका है, अब तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड है, मैं आराम करूंगा। नहीं, प्लीज रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर कमिंग अटेम्प्ट में एक ग्रुप दे रहे हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। अब बिकॉज यहाँ का टाइम हमारा इंक्रीज हो गया है तो देर इज प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए हमारे पास जो प्रेपरेशन टाइम होगा वो काफ़ी कम होगा। इस बार मुझे जितना टाइम मिला है, जितना भी टाइम एक्सटेंड होता जा रहा है उतना ही टाइम वहाँ पे साइमल्टेनियसली कम भी होता जा रहा है। अगर आपको लगता है, ओनली एंड ओनली इफ यू फील दैट जो आपका कमिंग अटेम्प्ट है उसमें जो आप ग्रुप दे रहे हो उसकी प्रेपरेशन आप अच्छे से कर चुके हो, तो फिर आप साइड बाय साइड जो दूसरा ग्रुप है जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है आप उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मे बी दिन में 8 से 10 घंटे देते हो, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिर आप उसमें से मे बी 3 to 4 hours, 5 hours डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी प्रेपरेशन है इन द फॉर द कमिंग अटेम्प्ट, आप दूसरे ग्रुप को भी उठा करके साइड बाय साइड पढ़ना चालू कर सकते हो। बिकॉज कीप इन माइंड, अगर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो दिस इज एक्चुअली दैट टाइम जो आपका दूसरे अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में शिफ्ट किया गया, आप ये समझ के चलो।
सो गाइज ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा प्लीज स्टे मोटिवेटेड, बिल्कुल भी अपने अंदर यू नो दैट नेगेटिविटी दैट इज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, प्लीज डोंट लेट योर सेल्फ अफेक्टेड बाय दैट नेगेटिविटी। डोंट स्ट्रेस अबाउट कोरोना वायरस, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, दैट इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग यू, ठीक है। इनफैक्ट वो आपका फोकस पढ़ाई से हटा करके इन सब चीज़ों पर डाल रहा है, सो इट इज ऑफ नो यूज टू यू। इट इज नॉट, सी आपका काम है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस लो, ठीक है। वो आपकी सोल एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। और आपको घर पर रहना है, आपका सिर्फ ये काम है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको कोई लोड नहीं लेना है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस। डोंट रीड अननेसेसरी मटीरियल ऑन दिस वायरस, बिकॉज आप जितना उसके बारे में बात करोगे, जितना उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही वो आपके दिमाग में आप उसको भर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर एंड दैट इज इट। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर वन एंड ओनली गोल, दैट इज योर एग्जाम्स, ठीक है। सो गाइज एंड में देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी क्लिपिंग दैट आई एम पुटिंग, जस्ट दैट विल जस्ट कम आफ्टर आई कंप्लीट। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दैट, बिकॉज मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा देखती थी, ये बहुत मोटिवेट करता था मुझे। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, हियर कम्स द वीडियो। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गाँव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते, नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा, खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे से बच्चे ने, 6 साल के, और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया, बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने यह किया, उस टाइम पे, उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता।
कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं।